दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये समस्या होगी। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था इसलिए उसको हार्ट अटैक आ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाई बीपी रहता था। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमित बिश्नोई और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट में, जहाँ पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो कि बॉडी में बनता है, इसको लीवर बनाता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल शरीर के हिसाब से बनता है तब तक शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बॉडी में बनने लगे तो ये नुकसान पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? सबसे पहले स्किन का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि हो सकता है कि इनको पीलिया हो, वो पीलिया का इलाज करते रहते हैं, लेकिन बाद में जब वो टेस्ट कराते हैं तो उनको पता लगता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जब भी आपके स्किन का कलर चेंज हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए और अपने पूरे टेस्ट कराइए, और उससे आपको अगर पता लगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाइयाँ आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, चलते हुए आपका सांस फूल रहा है, हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपके ब्लड वेसल्स में समस्या होने लगती है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसके कारण आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, या चलते चलते आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो गया है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द बना रहता है तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हार्ट बीट अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो भी आपको हो सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के संकेत हैं। अचानक से आपका वजन बढ़ने लगता है या आपको बहुत अधिक पसीना आने लगता है, ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हैं। अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट जो होते हैं वो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल पूरा करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं जिनसे आपको पता लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो उसमें आपके पेट में दर्द हो सकता है, पैरों में सुन्नपन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, आपके आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है या आपके हार्ट में ब्लॉकेज भी हो सकती है। ये सब लक्षण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयाँ लिखते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ लिखते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दवाई के पीछे स्टेटिन लिखा होता है वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं। फर्स्ट जनरेशन दवाई जो आती है उसमें सिम्बास्टेटिन टैबलेट आती है, एटोरवास्टिन टैबलेट आती है और आपका रोसुवास्टिन टैबलेट आती है। ये आपको 10 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम तक की दवाई आपको दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो आपका वो 130 तक जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर 130 से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है, 200 तक आता है या कई लोगों का 400, 400, 500, 500 तक आता है, तो इस हिसाब से दवाई की डोज सेट की जाती है कि आपको कितने मिलीग्राम तक लेनी है। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है जैसे कि आपके लीवर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाए। लीवर का जो टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो कराना चाहिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो आपकी डोज को कम किया जा सकता है। 20 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल की कोई भी दवाई लेने से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। या फिर आपके जो मसल्स हैं, मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लगातार ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आपको लगातार लेनी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने आज ले ली तो अगले साल आप लेंगे या आप दवाई को बीच में बंद कर दें। जिस दिन आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं उस दिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा, जिस दिन आप नहीं लेंगे तो उस दिन आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यू लेना पड़ता है, जब तक डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तब तक आप इस दवाई को लेते रहिए। साथ ही अपने जीवन शैली में भी आप बदलाव लेके आइए। स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन बंद करना पड़ेगा और आपको अपनी दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज, योगा और जो हरी सब्जियां और फल फ्रूट्स वगैरह इनका सेवन ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या किसी भी दवाई से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।